फ्रेंड्स नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल केयर एंड क्योर। तो चलिए आज बात करूंगी विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी का जो सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है वह है आंवला। और आंवले को आप किस तरीके से लेते हैं, आंवले का आप मैक्सिमम बेनिफिट चाहते हैं तो आप किस तरीके से लें, जैसा मैं आपको बता रही हूँ। मैं आपको बता दूं, हो सके तो आंवले को बॉईल करके ना खाएं। बहुत सारे लोग आंवले का अचार बनाते हैं तो उसे बॉईल करके बनाते हैं, तो ऐसी गलती आप ना करें। आंवले को बॉईल करके अचार ना बनाएं और आंवले का जो जूस है वह मिक्सर या जूसर में ना बनाएं, क्योंकि इससे जो होता है आंवले का विटामिन सी कम हो जाता है। तो हो सके तो आंवले को घिस के चटनी बना के और कच्चे आंवले का अचार बनाकर ही खाएं। फ्रेंड्स आंवला जो है ठंड के मौसम में ही आता है, हर मौसम में नहीं आता है, तो इसका आप मैक्सिमम बेनिफिट लें। और किस तरीके से आंवला खाना है यह मैंने आज आपको बताया। आंवले को आप कच्चा ही खा सकते हैं, अचार बनाकर खा सकते हैं, जूस बनाकर पी सकते हैं। बहुत सारे लोग इसे बालों में लगाते हैं, त्वचा में लगाते हैं, अच्छी बात है, बट आप सीधे आंवला खा सकते हैं। और आंवला खाने से बहुत सारे लोगों के भ्रम होते हैं कि सर्दी हो जाती है, शीत हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं। आंवला खाने से आपको विटामिन सी मिलता है और विटामिन सी के हमारे बॉडी में बहुत सारे रोल होते हैं। इसका मैं एक नया वीडियो आपके लिए बनाने वाली हूँ। और आप ग्लोइंग दिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बालों में चमक रहे, आपकी त्वचा में चमक रहे, तो इसके लिए आप विटामिन सी लीजिए। बहुत सारे लोग विटामिन सी की टैबलेट लेते हैं, तो टैबलेट खाने से अच्छा आप विटामिन सी लीजिए। आंवले का मुरब्बा भी बना सकते हैं मीठा और आंवले का अचार भी बना सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आंवला आपको इस तरीके से खाना है कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो अगले वीडियो में मैं लेकर आती हूँ आंवले के क्या रोल होते हैं, विटामिन सी के क्या रोल होते हैं। तो जल्द ही मिलूंगी एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।